हेलो फ्रेंड्स, ईबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एसी साइन वेव बनाने के रिलेटेड रहेगा। मतलब अब तक हमें पता है कि हमारा साइन वेव कुछ इस तरह से बनता है और डीसी इस तरह से रहता है ना। तो हमारा साइन वेव आज हम देखेंगे कि हमारा जो साइन वेव है वो इस तरह से कैसे बनता है, ये हमें देखना है। हमारे पास बेसिक है कि जब भी हमारा एसी जनरेटर क्रिएट होता है तो वो अल्टरनेटर के थ्रू क्रिएट होता है। मतलब किस तरह से, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एक कुछ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। इसमें एन हो जाएगा, इसमें एस हो जाएगा और ये हमारा रोटर है, इसमें कुछ इस तरह से कंडक्टर हो जाएंगे, है ना। तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटर जब रोटेट होगा तो इसमें कुछ ईएमएफ क्रिएट होगा। तो ये जो क्रिएट होने वाला ईएमएफ है ये हमारा एसी ईएमएफ रहेगा, ये हमें पता है। तो ये एसी ईएमएफ किस तरह से क्रिएट होता है, मतलब ये एसी जो है रोटर जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है, सपोज़ हम कंसिडर करते हैं कि रोटर इस तरह से इसमें रोटेट हो रहा है, तो इसमें जो सिनुसाइडल वेव है वो इस तरह से कैसे क्रिएट हो रहा है, ये हमें देखना है ना। तो इसका हम पूरा डिटेल ग्राफ समझेंगे ताकि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसमें दिखाया कि ये हमारा रोटर है और एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसके बीच में रोटर रखा। मतलब इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी और जब हमारा रोटर इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगा, तो इसका जो सिनुसाइडल वेव है वो इस तरह से कैसे बनेगा वो हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, हमें पता है कि कोई भी सर्कल अगर है, कोई भी सर्कल है तो वो 360 रहेगा। मतलब ये भी सर्कल है तो इसका भी डिग्री जो है वो 360 रहेगा। हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ से अगर स्टार्ट किया ये 0 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री, मैक्सिमम हमारा हो गया 90 डिग्री, है ना। तो हर एक किस में हमने 30 डिग्री की गैप रखी और उसके हिसाब से हमारा ग्राफ कैसे बनता है वो हम देखेंगे, है ना। तो हमने इसमें देखा कि ये हमारा 0, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो इस पे हम देखेंगे कि ये हमारा 30, 60, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 0 और 180 डिग्री, उसके बाद में 90 और 270 डिग्री, इसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं तो वो हमें देखना है ना। तो अब हम यहाँ पे देख लेते, ये हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, है ना, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, तो ये हम मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। इस तरह से हमारा पूरा ग्राफ हमने सेटल कर लिया इसमें। तो इसमें अभी कैसा हो रहा है एक बार और देखते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में कुछ रोटर रखा, है ना। इसके बीच में कुछ रोटर रखने के बाद ये जो है हमारे, ये हमारे कंडक्टर है, है ना, ये डॉट से दिखाते हैं, ये हमारे हो गए कंडक्टर, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ये हमारी हाफ साइकिल हो गई, ये हमारी नेक्स्ट हाफ साइकिल हो गई। तो इसमें किस तरह से हमारा ग्राफ सिनोसाइडल, मतलब इस तरह से बनता है, यह हमें देखना है। अब हम देखते हैं कि हमारा रोटर जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना। हमारा जो रोटर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, है ना।
इस तरह से भी हम देख सकते हैं, है ना। इस तरह से रोटेट होने के बाद अब हम देखते हैं कि ये जीरो से स्टार्ट किया तो ये हमारा जीरो हो गया। जीरो से हम देखते हैं कि 30 डिग्री तक इसने रोटेट किया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कुछ जो मैग्नेटिक लाइन थी इसमें, जो मैग्नेटिक लाइन थी इस तरह से कुछ इसमें मैग्नेटिक लाइन होंगी, है ना। तो ये मैग्नेटिक लाइन जीरो से लेके 30 तक कट किया, तो मतलब हमारा ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है ना। फिर 0 से 30 मतलब इतना शिफ्टिंग हुआ, मतलब ये 60, ये 60 यहाँ तक आ जाएगा। फिर हमारा मैक्सिमम 90 तक आ जाएगा, है ना। यहाँ तक हम समझ गए। उसके बाद में हम नीचे से ऊपर तक आए, अब ऊपर से नीचे तक जाएंगे, मतलब हमारा 120, 60 और 120 एक ही इस पे था, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद में 30 और 50 एक ही इस पे था, है ना। तो हमारा देखिए आ गया इस तरह से आएगा। उसके बाद में 0 और 180 मतलब यहाँ पे हमारा EMF जो है वो जीरो हो गया। मतलब ये जो था ये 90 डिग्री, ये हमारा पॉजिटिव मैक्स था, है ना। मतलब हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमने पुट की तो ये प्लस आ जाएगा, +1 आ जाएगा, है ना, ये हमें पता है। उसके बाद में हम देखते हैं हमारी फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम 90 हमें मिल गया, मैक्सिमम 90 मिल गया। अब हम नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखते हैं, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या है कि 180 जीरो पे था तो 120 अब ये नॉर्थ का उसने कट किया तो ये हमारा नॉर्थ का कोर मिल गया, मतलब एक हाफ साइकिल मिल गई। अब यहाँ पे उसको पोल चेंज करेगा, मतलब उसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी, तो वो अब नीचे से ऊपर तक जाएगा, मतलब ये साउथ पोल अभी काम करेगा। अब तक हमारा नॉर्थ पोल काम कर रहा था तो अब हमारा साउथ पोल काम करेगा। तो यहाँ पे 210, है ना, 210 आ गया। उसके बाद में हमारा 240 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में मैक्सिमम 270। अब ये जो 270 है ये हो गया हमारा नेगेटिव मैक्स, है ना। अब हम देखते हैं कि अगर साइन 270 की अगर वैल्यू निकाले तो -1 आ जाएगा, है ना। आप कैल्सियम में डाल के देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 90 पे हमारा पॉजिटिव मतलब 1 था, मतलब पॉजिटिव मैक्स था, तो यहाँ पे नेगेटिव मैक्स है, मतलब -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसी तरह से फिर हम देखते हैं 300 पे आ गया, 300 पे और 240 पे सेम था, है ना। उसके बाद में हमारा 330 पे आ गया और उसके बाद में फाइनली 360। मतलब इस तरह से हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया, है ना, समझ में आया। मतलब रोटर हमारा इस तरह से रोटेट हो रहा है तो उस तरह से हमारा ग्राफ पोलैरिटी चेंज करेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ साइकिल में ये नॉर्थ के लिए काम कर रहा था तो सेकंड हाफ साइकिल में ये एस के लिए काम कर रहा है। मतलब उसी हिसाब से फिर पहले ये नॉर्थ का था तो उसके बाद में ये साउथ के लिए काम किया, इसलिए इसने पोलैरिटी चेंज की। पहले निगेटिव की पोलैरिटी थी, उसके बाद में साउथ की पोलैरिटी है, इसलिए इसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज की। इसलिए एसी साइकिल, मतलब एसी में सिनुसाइडल व्यू वो इस तरह से रहता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जब हमारा साइन जीरो था, मतलब हम इस तरह से बोल सकते हैं जीरो पे उसी तरह से 180 पे उसी तरह से 360 पे हमारा EMF जीरो था, है ना, और 90 पे और 270 पे हमारा EMF मैक्स था, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं
इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक ब्लॉक के हिसाब से आपको दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ये ब्लॉक से हम समझ सकते हैं, है ना। ये हमारा हो गया नॉर्थ के लिए था, और यहाँ से जो है यहाँ तक, ये नॉर्थ के लिए, ये साउथ के लिए था, है ना। मतलब 60 की वैल्यू थी, तो साइन थीटा 60 पे 0.866 था, साइन 90 पे 1 था, मतलब मैक्स था, पॉजिटिव मैक्स था। 120 पे 0.86 था, है ना। उसी तरह से अब हम ये, आप ब्लॉक ग्राफ के हिसाब से आप टैली कर लीजिए इस तरह से, तो आपके समझ में आ जाएगा। मतलब 60 पे कितनी थी वैल्यू, 90 पे कितनी थी, 120 पे कितनी थी, ये समझ में आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो था मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्स था, और 200 पे निगेटिव मैक्स था, है ना। मतलब इसकी वैल्यू 1 थी, तो इसकी -1 हो गई। उसी तरह से ये देखिए, 0 पे एंड 180 पे एंड 360 पे, देखिए वैल्यू इसकी कितनी थी। हमारा ईएमएफ कितना था, तो 0 ईएमएफ था, मतलब 0 वोल्ट था। देखिए 360 पे, 180 पे और 0 पे, है ना, 0 था। तो इस तरफ से आप समझे, है ना। सो आज के लिए इतना ही।